नगर पालिका के बस स्टैंड स्थित सभागार में बैठक का आयोजन नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किया गया। इस दौरान स्वच्छता पखवाड़ा, जो कि 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, इस दौरान विभिन्न स्कूलों के, कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं, निजी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों के साथ में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करने के साथ साथ अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। नदी तालाब आदि की साफ सफाई भी इस अभियान के दौरान की जाएगी। स्वच्छता पखवाड़े के नोडल अधिकारी निशांत तिवारी ने बताया कि इस आयोजन में सभी की सहभागिता हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात स्वच्छता की शपथ है, तीसरा स्वच्छता का सम्मान और चौथा है स्वच्छता की रैली। तो हम लोग एक गांधी प्रतिमा से चालू करेंगे, अपना नीम पार करवाया है वहां से, वहां पे श्रमदान करके हम लोग अपनी रैली को लेकर जाएंगे स्टेडियम पे। वहां स्टेडियम पे समापन रहेगा और स्टेडियम पे स्वच्छता का संवाद माननीय कलेक्टर साहब के मौजूदगी में एवं माननीय प्रभारी मंत्री जी की मौजूदगी में, अभी उनका समय है मतलब उनका भी टाइम सही नहीं हुआ है, तो संभवतः उपस्थित रहेंगे 8 से 10 मार्च, क्योंकि उस दिन क्योंकि 14 से और 17 को। सर क्या नाम है आपका? मैं निशांत तिवारी हूँ, यहाँ पे स्वच्छ भारत का नोडल अधिकारी हूँ। अच्छा, आज जो मीटिंग रखी गई थी वो किस संबंध में रखी गई थी? जो मीटिंग रखी गई थी वो 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी स्कूलों को बुलाया हुआ था और पूरे शहर की इसमें अपने को कार्यक्रम में कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो स्कूलों को बुलाया था पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बताने के लिए। क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं स्वच्छता पखवाड़े में? स्वच्छता पखवाड़े में अलग अलग दिन डे वाइज डिवाइडेड है, 17 से चालू हो गए 2 तारीख तक है, जिसमें हेल्थ चेकअप है, सम्मान समारोह है, वेस्ट टू वंडर की प्रदर्शनी है, स्वच्छता शपथ है, स्वच्छता संवाद है, ब्लैक स्पॉट का चयन और सौंदर्यीकरण है, घाटों तालाबों की सफाई है। तो अलग अलग दिन के अलग अलग प्रोग्राम की शेड्यूल है।